अनअपोज्ड चेयरमैन ऑफ आईसीसी जय शाह। जी हां, आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बन गए हैं। आईसीसी के मुताबिक जो कि अगले 2 सालों के लिए आईसीसी के चेयरमैन होंगे वो जय शाह होंगे, क्योंकि चेयरमैन जो अभी हैं चेयरमैन वो साबका होने वाले हैं यकम दिसंबर को, क्योंकि ग्रिक बार्कले ने अपनी मुद्दत में तोहसी के लिए या फिर उनके अगेंस्ट यानी कि जय शाह के खिलाफ किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए कि वो आईसीसी के चेयरमैन बनना चाहते हैं। इसी हवाले से अनअपोज्ड जय शाह चेयरमैन बने हैं। ग्रिक बार्कले 2021 में चेयरमैन बने थे, 2020 में चेयरमैन बने थे, फिर उसके बाद से 2022 में उन्हें तौसी दी गई थी, फिर उसके बाद से 2024 में उन्हें तौसी के हवाले से जब खबरें चली तो उन्होंने कहा कि मैं तौसी नहीं लेना चाहता। फिर इसी हवाले से लास्ट ईयर जय शाह ने आईसीसी के नए चेयरमैन की बनने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। इसी ख्वाहिश को लेके उन्होंने कागजात नामजदगी आज आखिरी तारीख थी, आज तक किसी ने भी जमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की और जय शाह को आईसीसी के नए चेयरमैन के तौर पर पेश किया। अब यकम दिसंबर से जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे, लेकिन सवाल यह है कि जय शाह आ गया है तो अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहाँ होगी? क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी? क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होगी? क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी? ये सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि जय शाह का कोई माजी अच्छा नहीं है इस हवाले से और पाकिस्तान के साथ एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह थे और जय शाह ने एसीसी के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से पाकिस्तान में होने वाली मेज़बानी में होने वाली एशिया कप इवेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा दिया था और पाकिस्तान के साथ एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है। इस बिना पे अब खदशात का इजहार किया जाने लगा है कि क्या उसी तरह से होगा जो पिछले साल हुआ था कि पाकिस्तान पर प्रेशराइज करके, जो दीगर ममालिक हैं उनको प्रेशराइज करके टूर्नामेंट को, पूरे इवेंट को हाइब्रिड मॉडल की तरफ ले जाएं या फिर पूरे के पूरे टूर्नामेंट को पाकिस्तान से शिफ्ट कर दें। एशिया कप में तो ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में होना था तो इंडिया ने आने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से एसीसी के प्रेसिडेंट ने हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियन ट्रॉफी एशिया कप करवा दिया था, जिसका मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान तो हुआ ही हुआ है, उससे पाकिस्तान की टीम को नुकसान हुआ है, उससे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पर नुकसान हुआ है और इससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सियासी तौर पर क्रिकेटिंग ममालिक की क्रिकेट की सियासत में नुकसान हुआ है। अब चेयरमैन आईसीसी जय शाह बन गए हैं तो क्या वो जो पिछले साल अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे थे तो इस साल क्या बीसीसीआई के सेक्रेटरी होने की हैसियत से वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजेंगे या नहीं? ये सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसी हवाले से ये जो खबरें खदशात जिस तरह से चल रही हैं, अक्टूबर में इसका फैसला तकरीबन ऑलमोस्ट हो जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इसको लंबा खींचा जाएगा और यहाँ तक भी खबरें चलने लग गई हैं कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब वो क्यों नहीं जाएगी? विक्रांत गुप्ता सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी खबर दिया, उन्होंने खबर में ये कहा है कि कुछ सीनियर्स खिलाड़ी, इंडियन टीम के कुछ सीनियर्स खिलाड़ी बीसीसीआई में अपने खदशात का इजहार करते हैं और कहते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो इसका मतलब है कि जब खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो फिर इसका मतलब है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन दूसरी जानब अगर स्टेटमेंट देखी जाए, मोहम्मद शामी की हो, रोहित शर्मा की हो, विराट कोहली की हो, या फिर गुज़श्ता रोज़ होने वाली जो कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया में कहा है, तो वो तो कहते हैं वो तो इस हवाले से पुरजोश हैं, पाकिस्तान हमें खेलना चाहते हैं। तो ये थोड़ा तजाद नज़र आ रहा है, यानी कि कशमकश का शिकार है। इस हवाले से बीसीसीआई ने भी अपने खिलाड़ियों को रोका हुआ है मेरे ख्याल नहीं, विक्रांत गुप्ता इस हवाले से कहते हैं कि ये जो खिलाड़ी अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, इस हवाले से उन्हें मना कर दिया गया है कि ये रोकें अपने आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार, क्योंकि अगर ये जाना चाहते हैं, कुछ खिलाड़ी नहीं जाना चाहते, तो फिर बोर्ड क्या स्टांस लेगा, बोर्ड क्या बहाना बनाएगा?
खिलाड़ी नहीं जाना चाहते, गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में इजाज़त दे देगी, लेकिन खिलाड़ियों का बहाना करके ये नहीं जाएंगे। अब देखें वो क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन अब जे शाह के नए चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद से खदशात ज़रूर बढ़ गए हैं कि इसका फैसला क्या होता है, कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी या नहीं होगी। क्योंकि बीसीसीआई ने आईसीसी को इस हवाले से दरख्वास्त की हुई है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बल्कि इसको हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया जाए, यूएई में या फिर श्रीलंका में, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत। पीसीबी ने भी इस हवाले से आईसीसी को आगाह कर रखा है कि आपका इवेंट है, आप ही इंडिया को पाकिस्तान लाएं, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आपका इवेंट है तो इसका मतलब है आप जे शाह सदर हैं, तो क्या वो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाएंगे या नहीं, ये सवालात खदशात बढ़ते जाएंगे जब तक इस चीज़ का फैसला, इस चीज़ की गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।